नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवराज। देखिए, आपके पास नया सादी पेंटिंग लेकर आया हूँ, जो कि हम गणेश जी का पेंटिंग बनाने वाले हैं। गणेश जी का बहुत सिंपल, सरल और सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग करेंगे, जिससे देखिए माउथ स्प्रे के सहारा से हम स्प्रे से पेंटिंग कर रहे हैं, तो इससे आसानी होता है दोस्तों पेंटिंग में। तो देखिए, हम लोग पहले आउटलाइनिंग बना लिए हैं, उसके बाद स्प्रे कर रहा हूँ। माउथ स्प्रे के सहारा से ईजिली हो जाता है, लेकिन थोड़ा फूकना जोर से पड़ता है। जितना ज़्यादा फूकोगे उतना अच्छा पेंटिंग बनता है। तो देखिए, हमारा स्प्रे कार्य चालू हो चुका है। तो दोस्तों, आपको फ्लोरोसेंट कलर चाहिए, या तो ब्रश चाहिए लॉन्ग हेयर का, या तो आपको चाहिए माउथ स्प्रे, तो हमारा नंबर दिख रहा है, आप उस पर संपर्क कीजिएगा और हम आपके पास भिजवा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा लगेगा दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, इधर उधर सब कुछ सामान लाना पड़ता है सिटी से, फिर उसको फिर आपके व्यवस्था के लिए पैकेट को बनाएंगे, तभी आपके पास पहुंच जाएगा। तो उसी लिए बोल रहा हूं, आपको जो भी वस्तु चाहिए हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, तो आप अपना नाम पता के साथ, तो हम आपके पास भिजवा देंगे। देखिए, तो माउथ स्प्रे के सहारा से हम लोग स्प्रे तो कर चुके हैं, देखिए स्प्रे वर्कअप, उसके बाद हम लोग आउटलाइनिंग देंगे उसमें, तभी और पेंटिंग का निखार आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा पेंटिंग कार्य चल रहा है। देखिए, स्प्रे धीरे धीरे से स्प्रे कर रहा हूँ, तो आगे पेंटिंग बहुत अच्छा बनने वाला है, इसलिए पूरा पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको बहुत आसानी लगे। तो हम लोग, ये फ्लोरोसेंट कलर होता है जो सूखा रहता है, पेस्ट सूखा बोले तो सूखा रहता है, उसको हम लोग घोलने के लिए इजीली कोई भी गोंद का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी गोंद, नॉर्मल गोंद, चाहे DDL हो गया या फेविकोल हो गया, उस गोंद को फेविकोल हुआ तो उसमें पानी डालकर गीला करना है ज़्यादा, उसके बाद गोंद में अच्छी तरीके से पेस्ट बनाकर घोलेंगे उसको, उसके बाद उसमें हम पानी उसके हिसाब से डालेंगे, फिर पानी डालकर उसको माउथ स्प्रे के सहारा से स्प्रे करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों। अब ब्रश, सादी पेंटिंग में कोई भी प्लास्टिक वाला ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लॉन्ग हेयर का आइल पेंट ब्रश भी है, जिसे साइन बोर्ड में प्रयोग करते हैं। जिसको जिसको चाहिए वो संपर्क कर ले। देखिए, अब हम आउटलाइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे आउटलाइनिंग कम्प्लीट होता जाएगा और बनता जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा इस तरीके से पेंटिंग बन रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और पूरा तक वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा तक लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेंटिंग बहुत अच्छा बनने वाला है, ज़बरदस्त, पूरा बनने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।